सारी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू, जो भी जिन जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो भी आपको लर्न करने के लिए दिया जाता है वो सब चीजें आपको लर्न करनी है। तो आपको अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपके लिए न्यू टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम पहले भी 15-20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो पढ़ चुके हैं, लिया था उसका। तो अब इस मंथ से मैं आपको कुछ और न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताऊंगी, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है मैंने आपको पहले बता दिया है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट है, और उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब वर्ड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहली चीज यही आनी चाहिए कि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब